हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपका पेमेंट फेल हो गया तब क्या करेंगे। देखिए, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, अब पेमेंट करने गए तो किसी नेटवर्क के कारण या फिर ओटीपी के कारण पेमेंट फेल हो गया। और जब आप पेमेंट फेल हो जाता है और दोबारा आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी फेल्ड, राइट। आपकी यही समस्या है तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। ये पेज कहाँ से आएगा, अब मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पेज कहां से आना है। तो सबसे पहले देखें कि आपको करना क्या है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और पेमेंट फेल हुआ है, उसके मामले में क्या करना है। ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा क्या, पे एग्जामिनेशन फीस, राइट। अगर आप में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपका पेमेंट फेल हो गया तब आपको क्या करना है, राइट। तो आपको यहां पे एग्जामिनेशन फीस पे जाना है और जैसे ही आप पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने एक भी स्क्रीनशॉट रखा होगा फॉर्म भरते वक्त तो वहां पे आपको ऊपर रेफरेंस नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे रेफरेंस नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए। जैसे ही रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं आपको ये सीधे और सबमिट करते हैं तो आपको मेक पेमेंट पे आ जाएगा और यहाँ से आपको मेक पेमेंट कर देना है। पर मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये फॉर्म नंबर और रेफरेंस नंबर भी नहीं होगा। अगर नहीं है बिल्कुल मत घबराइए, आपका भाई आपके साथ है, हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। आपको अगर आपके पास फॉर्म नंबर और रेफरेंस नंबर है तो सबमिट करके मेक पेमेंट पे जाइए, वहाँ से पेमेंट करिए। और अगर नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको ये वाला पेज जो है वहाँ पे फिर से आना होगा। और ये देखिए नीचे आप देख पाएंगे तो यहाँ है नीचे फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर और रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आना है। समझ में आ गई बात। अगर आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस नंबर है तो यहाँ से क्लिक करके, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे आना है, किसके लिए, रेफरेंस नंबर फाइंड आउट करने के लिए और एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पे आपको UIN नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। अब UIN नंबर तो होगा ही भाई, अगर UIN नंबर नहीं है तो आपने इसका मतलब फॉर्म नहीं भरा। तो ठीक है, आप यहाँ पर UIN नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए। जैसे ही आप UIN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट होने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। और जैसे ये इंटरफेस आ जाएगा आप इसको ध्यान से देखिए। पहले तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम मैच करा लीजिएगा, नाम आपका होगा और आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर मिल जाएगा, राइट भाई। तो आपको फॉर्म नंबर भी मिल गया और यहाँ पे आपका नाम भी मैच कर गया। तो इससे आप ये वाला फॉर्म नंबर क्या करना है, ये वाला फॉर्म नंबर फिर से यहाँ वाले पे क्लिक करके, कहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करके और यहाँ पे रेफरेंस नंबर पर भर दीजिए फॉर्म नंबर। और जैसे ही फॉर्म नंबर भरेंगे, DOB भरेंगे, आपका क्या हो जाएगा, सीधे मेक पेमेंट पे जाएंगे और वहाँ से आप मेक पेमेंट कर लेंगे। तो कितना सिंपल सा है। आपको सबसे पहले कहाँ पे आना है, सबसे पहले ये वाले पेज पे आना है और यहाँ वाले पेज पे आके आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे कर देना है, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ से रेफरेंस नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बड़ा ही सिंपल सा है गाइस। एक्चुअली जब ज़्यादा कमेंट्स आने लगे ना, मैं बाइक चला रहा था, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के पेमेंट फेल हो गए, अब क्या करें, तो मैं बाइक रोक के रोड पर खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर लाइक मारना है और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है। ओके, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, गिव मी अ बिट हेल्प ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट लीव दिस चैनल विदाउट सब्सक्राइबिंग। ओके, सी यू। और जैसे ही भाई, अगर आपकी इस वीडियो से अगर आपका फॉर्म भर जाता है इस वीडियो के हेल्प से, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके भाई, घबराना नहीं है, जैसे भी कोई समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान सर्वोपरि। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।